हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर, जैसा कि है कि आज हम साइट पे आए हुए हैं अपने इंजीनियर्स के साथ जो आज साइट विजिट है उनका क्वांटिटी सर्वे में, और क्वांटिटी सर्वे में आज उनको साइट विजिट पे जो आए हैं वो देखने आए हैं शटरिंग। तो शटरिंग में उन्होंने सारा कुछ पढ़ा, किस तरह से हम प्रॉप्स निकालेंगे, किस तरह से हम रनर निकालेंगे, किस तरह से बैटर निकालेंगे, इन चीजों के बारे में वो समझ लिया है। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें और भी ध्यान रखने होते हैं एज ए साइट इंजीनियर, तो उनको ये चीज सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर भविष्य में ये अपने जाएंगे साइट पे तो वहां जाके जो इनका जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगा, जो इनको चीज चेक करना चाहिए, तो वो इनको आना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं एक एक करके बारीकी से मैं हर वो चीजें बताऊंगा जो इनको जाके साइट पे चेक करना है। तो बने रहे आप हमारे वीडियो में, आप भी सीख सकते हैं कि किस तरह से साइट पे जाके वो चीजें ऑब्जर्व करें और वो चीजें गलतियां ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर शटरिंग में गलतियां हो जाती है तो पूरे स्लैब कास्ट के समय मेरा शटरिंग फेल हो जाता है और उसमें जान माल दोनों की हानि होती है। तो ऐसा ना होगा कभी, इसीलिए गौर से देखें हमारा वीडियो। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9111001123 पे कॉल करें, जुड़े जल्दी से हमारे साथ और आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तब तक मैं अपने ट्रेनी को बताएंगे कि किस तरह से ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में। इंजीनियर, जैसा कि आप आए हुए आज साइट पे, सब आए, क्या क्या सीखा अभी आप लोगों ने शटरिंग के बारे में? सारा ये वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए सीख गए हो आप लोग। लेकिन अब जब आप जाओगे साइट पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ चेक करनी पड़ेगी कि शटरिंग का क्या होना चाहिए। तो क्या ये भी तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये चीज तो आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कि जब ये प्रॉप्स लगा हो तो प्रॉप्स हमेशा ये ध्यान रखना कि वर्टिकल हो, ठीक है, हमेशा ये वर्टिकल। क्या यहाँ लगा हुआ ये सही है? नहीं है ना, क्योंकि ये जुगाड़ से लगाया गया है। तो जब भी आप स्टैंडर्डली जाके चेक करोगे तो वहां ये क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इनकी स्पेसिंग जो है एक प्रॉप्स से दूसरे प्रॉप्स के बीच की स्पेसिंग 1 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए? 1 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या हो सकता है, अगर मान लो यहाँ कॉन्क्रीट पड़ा और इसके बीच में ज्यादा यहाँ लोड पड़ेगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, होगा ना। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अब क्या है कि ये आपने देखा कि इसके बीच एक तो पहला वर्टिकल होना चाहिए, दूसरे बीच इसके स्पेसिंग मेंटेन होनी चाहिए। अब ऊपर में देख रहे हैं रनर, ये रनर देख रहे हैं, यहां से यहां तक रनर होता है, आप तो जानते हैं ना रनर। तो रनर जो है एक मजबूत लकड़ी का होना चाहिए और उसका डाया जो है एकदम मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि उसी पे पूरा स्लैब का लोड आएगा, है ना, वही फिर किस पे, प्रॉप्स पे हमारा लोड ट्रांसफर करेगा। अब बताओ वही कमजोर हो जाएगा हमारा रनर, तो क्या इसको कमजोर कर देगा, गिरा देगा हमारे शटरिंग को, लोड पड़ेगा ज्यादा। तो इसीलिए हमारा जो रनर होना चाहिए क्या ना होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और एक स्पेसिफिक डाया का होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि और सबसे बड़ी बात देखिएगा कि रनर में कभी भी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ज्वाइंट या क्या सही प्रैक्टिस है? बिल्कुल सही प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ जब भी आप किसी साइट पे जाएंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि रनर मेरा बढ़िया होना चाहिए और बीच में कभी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप जब भी हो ये चीज चेक करते रहना, आपको चेक करते रहना, क्योंकि ये फेलवर का ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें कभी ना हो, है ना। और दूसरी बात क्या कि ये आपने अभी रनर के बारे में पढ़ा और ये जो बैटन देख रहे हैं, बैटन क्योंकि क्या है कि यहाँ कौन सा लगा हुआ है शटरिंग, लकड़ी का ही ना, यहाँ तो स्टील का है नहीं, चूंकि स्टील का लकड़ी इसलिए नहीं लगा, चूंकि स्टील महंगा पड़ता है और हर जगह वो इजी अवेलेबल नहीं होता है, है ना। तो इसी वजह से यहाँ लकड़ी का, तो लकड़ी में एक एक चीज को बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, अब इसमें एक मैं और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो इसमें नेल लगा हुआ है, क्योंकि सब लकड़ी का अगर फॉर्मवर्क करते तो सबसे ज्यादा क्या होगा, नेल लगेगा, नेल लगेगा ना। तो नेल जो है पतला नहीं होना चाहिए, नेल का डाया मोटा होना चाहिए ताकि वो कम यूज हो और बढ़िया से पकड़ बना सके, नहीं तो पतला बनाएंगे वो तो क्या होगा, जैसे कंक्रीट उस पे डालेंगे हम कहीं भी, अगर फर्मा शटरिंग में तो एक फर्मा ही है ना, तो हम क्या करेंगे जब बनाए फर्मा तो उसमें जब कंक्रीट पोरिंग करेंगे, कंक्रीट पोर करने के बाद अगर हम उसमें उसका एक लोड डालेगा साइड में और अगर कमजोर रहेगा तो क्या करेगा, उखाड़ देगा ना, चूंकि वाइब्रेटर भी करते हैं, इसी वजह से वो क्या होना चाहिए, मेरा नेल मजबूत होना चाहिए। अब जब हम स्लैब में जब हम कर रहे हैं शटरिंग तो देख रहे होंगे कि इस बीच में गैप है, क्या ये गैप सही है? गैप नहीं होना चाहिए ना शटरिंग में, इस तरह की गैप नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का आप गैप देखते हैं तो उसको कास्ट करने से पहले हम उस पे क्या टेप या उस पे कुछ उसका जुगाड़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए अगर उस पे जब हम कास्ट करेंगे तो कास्ट करने के बाद क्या होगा कि हम उसमें जो मेरा सलरीज होगा, मतलब पानी के साथ साथ मेरा सीमेंट भी निकल जाएगा ना, तो पानी के साथ अगर सीमेंट निकल जाएगा तो मेरा जो कंक्रीट का यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या बन जाएगा, हनीकॉम्बिंग बन जाएगा। तो ये हमारे लिए बेहतर तो होगा नहीं, यहाँ से मेरा चूंकि इस वाले भाग में क्या होगा,
कमजोर हो जाएगा। और जब भी आप साइट पे जाते हैं तो सबसे पहली बात कि आप जब तक इस पे कंक्रीट कास्ट ना हो जाए या स्लैब कास्ट नहीं हो जाए तब तक आप इसके लेवल को चेक करते रहेंगे, समझ गए? जब भी स्लैब, जब तक स्लैब कास्ट नहीं हो जाए हम शटरिंग के लेवल को चेक करते रहेंगे। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर हम 4 इंच की अगर कर रहे हैं स्लैब कास्ट तो एक जगह 4 इंच का हो जाएगा और दूसरे जगह क्या हो जाएगा, कहीं 8 इंच का भी हो सकता है, चूंकि वहां अगर उसमें डाउन हो गया तो उसके लेवल को हमेशा मेंटेन करते रहना है, है ना? उससे इसके जरिए क्या होगा कि हमारा एक प्रॉपर शेप में हमारा जो स्लैब है वो कास्ट हो जाएगा। आई होप कि आप सारा चीज समझ पाए होंगे। क्या इन चीजों में डाउट है? क्या आप कभी साइट पे जाओगे तो इन चीजों को आप कर पाओगे? यह पूरा जोश है। तो हम इसी चीज जो हमारे इंजीनियर्स देखे एक जोश के साथ, जुनून के साथ इन्होंने देखा और इनके बारे हर एक बारीकी को उन्होंने जाना। तो आप भी तो देर ना करें, जुड़े हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।